आप देख रहे हैं दखल न्यूज। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि जनगणना में किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनपीआर से सही लाभार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। कैबिनेट बैठक में एनपीआर पर चर्चा की गई, जिसके बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी दी गई। नागरिकता कानून बनाने के बाद देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ और समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि बैठक में अटल जल योजना के लिए 6000 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। 7 राज्यों के 8350 गांवों को इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में देश के हर नागरिक का लेखा जोखा रहेगा। इस रजिस्टर में हर नागरिक को अपना नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा। किसी भी इलाके में 6 महीने से रहने वाले लोगों को इस रजिस्टर में नाम लिखना होगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ये पहली 2010 में यूपीए सरकार में शुरू हुआ और सारे लोगों का एक रजिस्टर बना और उसके कार्ड मनमोहन जी ने वितरित किए थे। तो 2015 में इसका अपडेशन हुआ और अभी इसका पूरा एक बार ने, क्योंकि हर 10 साल के बाद ये करना है, तो 2020 में तो इसमें कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, कोई भी कागज देने की जरूरत नहीं है। आपके सवालों को पहले ही मैं जवाब देता हूं, इसमें ना प्रूफ है, ना कागज है, ना बायोमेट्रिक है। जो आप कहोगे वही सही है, क्योंकि जनता पर हमारा भरोसा है और इसलिए ये जनगणना और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मैं देख रहा था अभी हमारी कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई कि इधर टीवी पर कुछ न कुछ दिखने लगा मुझे, वो सही नहीं है। ये सभी राज्यों ने स्वीकार किया है, सभी राज्यों ने इसके नोटिफिकेशन निकाले हैं और सभी राज्यों में इसके कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। सो नथिंग हैज बीन न्यू। पिछले 6-8 महीने से हर 10 साल के बाद ये होगा। 2010 में पहली दफा हुआ, यूपीए ने शुरू किया और इसलिए मनमोहन जी ने उसके कार्ड बांटे। तो एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार होगा, जो भी भारत में रहता है उसकी गणना इसमें होगी। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है। यही वजह है कि चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के बावजूद भी पाकिस्तान की ओर से इसे लेकर कभी कोई आपत्ति नहीं ली गई। भारत के आंतरिक मामलों में भी दखल देने से बाज न आने वाला पाकिस्तान इस मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर होने के बावजूद भी आज तक चुप है। हालांकि अब चीन के उइगर मुसलमानों को लेकर उसके रवैये पर पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने आवाज़ उठाई है। शाहिद अफरीदी ने चीन में उइगर मुसलमानों के हालातों पर दुख जताते हुए पाक पीएम इमरान खान पर भी निशाना साधा है। अफरीदी ने एक ट्वीट कर लिखा है, उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार दिल तोड़ने वाले हैं। मैं पीएम इमरान खान से निवेदन करता हूं कि वह इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मुस्लिम उम्माओं को संगठित करने की बात करने में चीन में रहने वाले हमारे भाई बहन भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के बड़े सहयोगी के तौर पर पहचान रखते हैं। पाकिस्तान ने चीन से करोड़ों डॉलर का कर्ज लिया है, इसलिए पाकिस्तान इस मसले पर अपना मुँह बंद रखता है। लोकायुक्त पुलिस इंदौर की टीम ने मंगलवार सुबह इंदौर नगर निगम के बर्खास्त बेलदार रियाजुल हक अंसारी के घर देव छाया अपार्टमेंट स्नेहलता गंज में कार्रवाई की। यहां जांच के दौरान रियाजुल और उसके परिजनों के नाम से भवन, भूखंड और दुकान होने की जानकारी मिली, जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ से अधिक आंकी गई है। देव छाया अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 303, 404 और पेंट हाउस मिला। पाकिजा लाइफ स्टाइल में एक प्लॉट A22 जिसमें वर्तमान में मकान निर्माणाधीन है। नाहर शाहवली कंपाउंड खजराना में बहन के नाम पर मकान। जेल रोड में एक दुकान जिसे बेच दिया गया है, इनकी जानकारी लगी। तलाशी के दौरान रियाज अंसारी के घर से इन अचल संपत्ति के साथ सोने चांदी के गहनों के साथ 50,000 रूपए नगद भी मिले। इसके अलावा कुछ बैंकों में खाते होने की जानकारी भी लोकायुक्त पुलिस को प्राप्त हुई है, जिनकी जांच की जाएगी। बर्खास्त बेलदार के घर के पास से एक डस्टर कार और 2 टू व्हीलर वाहन भी मिले हैं। रियाजुल हक अंसारी के घर लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद यह जानकारी सामने आई कि इंदौर नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह ने 20 दिसंबर को ही बेलदार को बर्खास्त कर दिया था।
उसने नगर निगम की छवि धूमिल करने के साथ अफसरों के खिलाफ बयानबाजी भी की थी। छतरपुर में अचानक मौसम के मिजाज बिगड़ने से हुई बारिश से हरपालपुर में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पीडीएफ का रेलवे स्टेशन पर खुले में रखा हजारों टन गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया। यह 16 लाख टन गेहूं छतरपुर जिले में खरीदी केंद्र से भारत सरकार की एफसीआई ने खरीदा था, जिसे रेल मार्ग से आंध्र प्रदेश भेजा जाना था, लेकिन अचानक हुई बारिश से यह हजारों टन गेहूं गीला हो गया। लेकिन जब मीडिया को पता चला तो भारत सरकार के ठेकेदारों ने इस गेहूं को बचाने के लिए पॉलिथीन की चादर डाली, लेकिन तब तक पीडीएफ का गेहूं पानी में तरबतर होकर गीला हो चुका था। अब जिम्मेदार अधिकारी इस मामले से लापरवाही बरतने पर कार्यवाही की बात कर रहे हैं। ये जो गेहूं है एफसीआई की 4 रख का प्लान मतलब ही आया हुआ है, तो उसमें से 1 रख जा चुकी है, दूसरा भी एफसीआई को प्रदान की जा रही है दूसरे रख के लिए, तो ये हम तो एफसीआई को दे चुके हैं, तो ये एफसीआई की जिम्मेदारी उसको सुरक्षित रखना है। एक्चुअली मेन नान ने एफसीआई को प्रदान कर दिया है, तो फिर भी हम उसके बाद जाँच करवा देते हैं, चेक करवा देते हैं कितना गेहूँ क्या कैसा है, स्थिति क्या है, किसी एफ को भेज कर वहाँ पर चेक करवा। बैरागढ़ में एसडीएम मनोज उपाध्याय एवं एसडीओपी दीपक नायक की अगुवाई में पुलिस प्रशासन का दल ग्राम बेहटा पहुंचा। यहां राजेंद्र मेवाड़ा की डेयरी को हटाया गया। अमला पहुंचते ही इलाके में हड़कंप मच गया। नगर निगम की जेसीबी से 1 घंटे में ही डेयरी को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि पास में सरकारी जमीन पर बनी झोंपड़ियों और पक्के मकानों को छोड़ दिया गया। एसडीएम उपाध्याय ने बताया कि फिलहाल माफिया एवं अपराधियों की ओर से किए गए कब्जे हटाए जा रहे हैं। दूसरे चरण में टेकरी को भी अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। राजेंद्र मेवाड़ा के द्वारा लगभग 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट में कब्जा करके और निर्माण कार्य कर लिया गया था, उसको झुग्गी माफिया के रूप में जाना जाता है, तो इसलिए उसका निर्माण कार्य पूरा गया है। और इमरान जो सटोरिया है, सट्टा खिलाता है, उसका मकान आपको चिन्हित किया, जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे टूट रहा है, वो इमरान का मकान है, इमरान सट्टेबाज है और उसके ऊपर अनेक अपराध है। पुलिस की मौजूदगी में साधु वासवानी कॉलेज रोड पर इमरान सटूरिया के मकान का बड़ा हिस्सा घन एवं हथौड़ों की मदद से तोड़ दिया गया। थाना प्रभारी शिवपाल कुशवाहा के अनुसार इमरान इसी मकान से सट्टे की पर्चियां लिखता था। इसका पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें खुलेआम सट्टे की पर्चियाँ लिखी जा रही थी। तोड़फोड़ के दौरान इमरान के रिश्तेदार विरोध करने पहुँच गए, लेकिन प्रशासन ने ताला तोड़ने के बाद मकान ध्वस्त कर दिया। बैरागढ़ एवं खजूरी थाना पुलिस ने कुछ अन्य माफिया एवं अपराधियों के घरों को और संपत्तियों को भी चिन्हित किया है। जल्दी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र मेवाड़ा करते हैं और जिन्होंने की इस तरीके से बेहटा के पास में जगह कब्जा करके और फिर वो आदमी झुग्गियों को बेचना, इस तरीके की चीज थी, तो उनके द्वारा जो कब्जा किया गया था 4 से 5 हज़ार स्क्वायर फीट की जगह थी, उनका निर्माण कार्य है। कांकेर के पंखाजूर में शिक्षकों की कमी की वजह से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। माध्यमिक विद्यालय एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में लगभग 650 छात्र छात्राएं हैं, जिनको पढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ 8 शिक्षकों पर है। माध्यमिक विद्यालय में 2 और हायर सेकेंडरी स्कूल में मात्र 6 ही शिक्षक है, जबकि विद्यालय में समस्त पदों पर मिलाकर 8 पद अभी भी रिक्त है। शासन और प्रशासन आंख मूंद कर बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्टूडेंट पावर ऑफ यूनिटी संगठन ने प्रशासन से विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध कराने की मांग की है। तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्र संगठन का कहना है कि शिक्षक न होने की वजह से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रशासन जल्द से जल्द स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध कराए। अगर जल्दी शिक्षकों की कमी को पूरा नहीं किया गया तो संगठन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। आपके स्कूल में कितने छात्र छात्रा है? 600 से 600। कितने शिक्षक मौजूद है? 8। आप लोग किसके नाम से ज्ञापन दिए हो? शिक्षक की कमी के लिए। जी, हमारे स्कूल में टीचर की कमी है, इसीलिए हम लोग ने कलेक्टर के नाम से एक ज्ञापन दिया है, जिससे हमें जो टीचर की कमी है उसको दूर कर सके। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के डेरा पहाड़ी इलाके में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नागरिक संशोधन कानून के समर्थन में रैली निकाली, जिसके बाद पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में 2 छात्राओं सहित 13 छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि एबीवीपी की छात्र इकाई के युवा अपने संगठन मंत्री के साथ हाथों में तख्तियां लेकर नागरिक संशोधन कानून के समर्थन में रैली निकालकर ज्ञापन देने जा रहे थे। तभी पुलिस और एसडीएम को जानकारी लगी तो पहले उन्हें प्रशासन ने बिना अनुमति रैली निकालने से मना किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और एसडीएम कोर्ट में पेश किया, जहाँ से सभी को जेल भेज दिया गया। एबीपी विद्यार्थी परिषद के बच्चे लोग, ये लड़के थे, ये डेरा पहाड़ी पे इकट्ठे हुए थे, ये
कि हम उसके समर्थन में नागरिकता जो विधेयक वो कानून बना उसके समर्थन में, तो मैं ये लोग कहने लगे कि भाई हम ज्ञापन देंगे, रैली निकालेंगे। मना किया, समझाया, नहीं माना, क्योंकि 144 लगी है, उनको बताया गया अगर इन लोगों के द्वारा फिर भी ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की गई, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सर कितने बच्चे हैं इसमें? 11 जेंट्स हैं, 2 लेडीज हैं। अभी 151, 188 के अंतर्गत कार्रवाइयाँ की गई हैं। प्रदेश में गुंडा राज के चलते देश की सरहद पर रक्षा करने वाले सेना के जवान ही सुरक्षित नहीं है। रीवा में त्योथर के सोहागी थाना क्षेत्र में गांव के गुंडों द्वारा सेना के जवान अरुण कुमार गौतम के साथ मारपीट की गई। पीड़ित जवान ने पुलिस पर लापरवाही और असंवेदनशीलता का गंभीर आरोप लगाया है। अरुण कुमार गौतम थल सेना के NOC पद पर फिरोजपुर पंजाब में सेवारत है। अरुण कुमार गौतम ने बताया कि गुड़ हादसे में उनके पिता राधेश्याम गौतम घायल हो गए थे, जिनका इलाज प्रयागराज में करवाया जा रहा है। मां की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वो छुट्टी लेकर मां की देखरेख करने आए हैं, तभी गांव के बदमाशों ने उनसे मारपीट की, अभद्रता की और उनकी गाड़ी तोड़ दी। जब वे शिकायत करने थाने पहुंचे तो पुलिस ने उल्टा उन्हें एवं उनके सहयोगी लालजी के शर्वानी को पुराने मामलों में गिरफ्तार कर लिया और रात्रि करीब 2 बजे छोड़ा। वहीं सेना के जवान द्वारा सहयोगी पुलिस द्वारा पूर्व के मामलों में गिरफ्तार एवं कार्रवाई करने को गलत ठहराते हुए कहा कि पूर्व के मामलों पर उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। हमने जब वहाँ पर सोहागी थाने में पहुँचा तो मुझे बोले कि तुम खुद मुलजिम हो, तो मैं बोला कि कौन सा मुलजिम, हमने कौन सा अपराध किया है? बोले कि नहीं, तुम्हारे ऊपर अपराध कायम है 294, 506, 427 और 34 इस धारा के तहत अपराध दर्ज है और तुम ऐसे नहीं छूटोगे, जमानत वाले को बुलाओ। लाल जी साथ में थे, लाल जी को भी बैठा लिया गया, बोले कि तुम भी अपराधी हो। ये सब घटना इसलिए हुआ है क्योंकि मैं SDOP साहब को 20,000 रुपये नहीं दिया था। 20,000 रुपये न देने के कारण हम इस तरीके का परेशानी का सामना कर रहे हैं। हमको ऐसे ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है कि मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे माँ का तबीयत खराब है, घर में कोई है नहीं और हम इस तरीके से बहुत तकलीफ़ में हैं। अपना तकलीफ़ हम आप लोगों को अभी क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकता। उल्टा हमारे ऊपर कार्रवाई सर, जबकि 100 नंबर ने भी बताया कि नहीं सर, उन्होंने ट्राली भी लगा रखा था और भीड़ काफ़ी जमी हुई थी, ये अकेले थे, लेकिन फिर भी उनका भी कोई बात नहीं सुना गया था। अरुण गौतम ने बताया कि गांव के लोगों ने आम रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा था, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा था, जिस पर प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटवा दिया गया था, जिस पर SDOP द्वारा 20,000 रुपए की मांग की जा रही थी, जिसे ना देने पर मुकदमे की धमकी दी गई थी। वहीं न्याय के लिए जवान द्वारा धरना प्रदर्शन कर आत्महत्या की चेतावनी दी गई है। शिकायत पत्र के माध्यम से जवान ने मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सहित रीवा पुलिस महानिरीक्षक को सौंपा है तथा जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में सिंगरौली नगर पालिका निगम को देश में 21वीं रैंक लाने पर नगर निगम द्वारा सफाई कर्मियों को शॉल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। महापौर प्रेमवती खैरवार ने नगर निगम कमिश्नर शिवेंद्र सिंह और सफाई कर्मियों को इसके लिए बधाई दी। महापौर ने कहा कि नगर निगम कमिश्नर जब से यहां पदस्थ हुए हैं, नगर निगम का कायाकल्प हो गया है। पहले ऑफिस में पब्लिक अपने कार्य के लिए आती थी तो कहती थी कार्यालय ठीक ढंग से नहीं बना है, अब पब्लिक का अनुभव अलग ही है। पब्लिक कहती है कि जब से कमिश्नर आए हैं कार्यालय का लुक ही चेंज हो गया है, नगर पालिका कॉर्पोरेट जैसे लगने लगी है। महापौर ने स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित करते हुए कहा कि देश में जो भी नाम सिंगरौली का हो रहा है उसका श्रेय स्वच्छता कर्मियों और यहाँ की जनता को जाता है। हमारी ड्यूटी है, चाहे सफाई झाड़ू लगाने की ड्यूटी है तो अपने टाइम से आकर काम करना और टाइम से जाना, चाहे कचरा उठाने वाले हमारे सफाई कर्मी, इस तरह से जो भी हमारे शहर को साफ करने के लिए जितने भी हमारे सफाई कर्मी लगे हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी समर्पण भाव से, पूरे निष्ठा के भाव से जिन लोगों ने काम किया है, उन लोगों में से हम लोगों ने पूरे जितने भी हमारे सफाई कर्मी हैं उन लोगों में से हम लोगों ने चयनित करके हमारे लगभग 36
के आसपास सफाई कर्मियों को हम लोगों ने। रीवा जिले के पुराना ग्राम पंचायत में युवा एकता परिषद के सौजन्य से चल रहे बेउर भैया स्मृति तरहार क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ। समापन समारोह में सर्वप्रथम समाजसेवी ईश्वर सचिन द्विवेदी की प्रतिमा पर अतिथियों और खिलाड़ियों ने माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में युवा एकता परिषद के संरक्षक सचिन शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। टूर्नामेंट का समापन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा, सचिन द्विवेदी उच्च व्यक्तित्व के धनी और ईमानदार युवा समाजसेवी थे। आज भी हम ग्रामवासी उन्हें अपने दिलों में जिंदा रखते हैं और उन्हें सदैव याद करने के लिए ग्राम स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन को माध्यम बनाया है। टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को राशि देकर पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। प्रशासन ने कुछ ही समय पहले बीजेपी सांसद और उनके बेटे का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। सांसद केपी यादव और उनके बेटे सार्थक यादव के खिलाफ धारा 420, 120 बी, 181, 182 के तहत केस दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान केपी यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर सांसद बने थे। प्रशासन को भाजपा सांसद केपी यादव के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के अनुसार 2014 में यादव द्वारा अपने बेटे को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए वार्षिक आय क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए से कम बताई गई थी, जो गलत है। इस घटनाक्रम में बीजेपी सांसद के मामले पर बीजेपी ने उनका बचाव करते हुए कुछ सवाल उठाए हैं। एक व्यक्ति 3-3 चुनाव लड़ ले और उसको समिति बरी कर दे और एक व्यक्ति पे केस लगा दे एसडीए में। अभी हमने 2 फैसले इस हफ्ते के अंदर देखे। एक अशोकनगर के विधायक जजपाल जज्जी का था, जो पिछड़ा वर्ग से लड़े, जो एससी सीट से लड़ लिए, जो सामान्य सीट से लड़ लिए, उसको अधिकारियों ने कह दिया कि ये ठीक है, और एक को एसडीएम ने कह दिया गलत है। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कांग्रेस सरकार लगातार काम कर रही है, ये बदले की भावना से काम कर रही है, परंपरा डाल रहे हैं, देखते हैं। प्रशासन ने जांच में पाया कि यादव की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है। इस आधार पर सार्थक यादव व उनके पिता केपी सिंह यादव दोनों का क्रीमिलियर का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया, ताकि भविष्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिले। आरक्षण का लाभ क्रीमिलियर जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मिलता है। 8 लाख रुपए से कम आय होने पर क्रीमिलियर प्रमाण पत्र मिलता है। इस मामले में सांसद की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरकार का इस मामले में कहना है कि सांसद यादव के खिलाफ सबूत मिले हैं, इसीलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। केपी यादव जी के बारे में तो देखिए, इसके बाद जो कानूनी कार्रवाई जो अगली जो बनती है, वो तो कानून तो अपना काम करेगा, ठीक है। और कानून को अगर पीछे हटना होता और कानून के रक्षकों को अगर पीछे हटना होता तो वहाँ तक को आगे कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट होता है और वो सिद्ध हो जा चुका है, तो इसके बाद जो आगे की जो कार्रवाई है वो अपने आप बनेगी। मोदी जी, यह कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये है भोपाल से आपकी पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर। दिल्ली से भोपाल आते वक्त जहाज को साध्वी ने को भवन बना लिया। जहाज में कुर्सी को लेकर साध्वी का पारा चढ़ गया। जरा सी देर की यात्रा के लिए सांसद प्रज्ञा ने मिशन मोदी की हवा निकाल दी। साध्वी को जहाज में बैठने के लिए मनमाफिक कुर्सी नहीं मिली, यही विवाद का कारण बना। मोदी जी, आप खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन आपके लोग आपकी भावना का मजाक उड़ाते हुए उसे तार तार करते नजर आ रहे हैं। विमान में सीट को लेकर भिड़ी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का यात्रियों के साथ बहस का वीडियो सामने आया है, जो सांसद साध्वी प्रज्ञा के अहंकार को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। सोशल मीडिया पर इस बहस का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक महिला कह रही है, आप फैसला लीजिए, आपका मैनेजमेंट कौन है, यहाँ की प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इस पर साध्वी प्रज्ञा जवाब देती हैं, मैंने पहले ही बोल दिया, मुझे अपनी रूल बुक दिखा दो, मुझे बनेगा बैठते तो बैठूंगी, नहीं बनेगा तो मैं चली जाऊंगी। यात्रियों ने भी बीजेपी सांसद प्रज्ञा से कहा, आप कैसी जनसेवक हैं। बात बढ़ी तो यात्रियों ने सांसद प्रज्ञा को बेशर्म तक कहा। पहले देख लीजिए इस वीडियो को, जिसमें सांसद साध्वी प्रज्ञा मोदी और बीजेपी की भावनाओं के विपरीत कुर्सी के लिए बहस कर रही हैं। कोई टाइम की वैल्यू नहीं है किसी के। डिसीजन लीजिए, बड़ा कुछ कर लीजिए, तो करना कर लीजिए। आप लोग डिसीजन लीजिए, आपका प्लेन है ना ये, ये तो आप लोग डिसीजन लीजिए ना। मैनेजमेंट कौन है आपका, आपका मैनेजमेंट कौन है, सीनियर मैनेजर, तो फिर आप लीजिए ना डिसीजन। कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज नहीं है यहाँ पे, 1% प्रोफेशनलिज्म नहीं है यहाँ पे। आपके पास पॉलिसी नहीं है क्या?
नहीं तो इनको कुछ करना चाहिए ना, अथॉरिटी तो इनके पास है ना, अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। मैंने बोल दिया अपनी रूल बुक मुझे दिखा दो, मुझे बनेगा ब्लड से नहीं बनेगा, मैं चली जाऊंगी यात्रा करते बनेगा। नहीं दिखा पा रहे आप तो जनता के प्रतिनिधि है ना, आपका काम हमें परेशान करना नहीं है। एग्जैक्टली अगली फ्लाइट लेके आ जाइए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मिनट हम भी क्यों सुनो, हम भी इससे क्यों जा रहे होंगे जब इसमें फर्स्ट क्लास नहीं है, मेरी सुविधा नहीं है तो मैं क्यों जा रही हूँ, कोई तो कारण होगा। ऐसा है आपका राइट नहीं है फर्स्ट क्लास, भैया सुनिए राइट मेरी बात सुनिए, मेरा राइट फर्स्ट क्लास का है, सुनिए। हम भी बोल रहे हैं उनको कि लेके मॉरल कंपस होना चाहिए कि अगर आपकी वजह से एक आदमी और भी परेशान हो रहा है, यू शुड ओन अप बिकॉज यू आर द लीडर। आपको इस बात की शर्म नहीं है कि 50 लोगों को यू हैव हेल्ड पीपल एट रैंसम। बिल्कुल ठीक लैंग्वेज बोल रहा हूँ आपसे, मैं बहुत इज्जत से और प्रेम से बात कर रहा हूँ। यू हैव बीन यू है शर्म करनी चाहिए जी, बिल्कुल शर्म बहुत अच्छा वर्ड है। चलो अच्छा, अपने बयानों के कारण कई बार बीजेपी की किरकिरी करवा चुकी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इस बार जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। एक यात्री तो बीजेपी सांसद से कह रहा है कि आपको शर्म नहीं है कि आप इस तरह का बर्ताव कर रही हैं। इससे पहले स्पाइस जेट की फ्लाइट में सीट को लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की क्रू मेंबर से बहस हुई। सीट की मांग को लेकर वे विमान में ही धरने पर बैठ गए। इस बीच यात्रियों ने विमान में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके व्यवहार की निंदा की। साध्वी प्रज्ञा शनिवार शाम को दिल्ली से स्पाइस जेट की उड़ान संख्या SG2489 से भोपाल आ रही थी। विमान के अंदर उन्हें सीट नंबर 2A दी गई। सांसद चाहती थी कि प्रोटोकॉल के लिहाज से उन्हें सीट नंबर A1 दी जाए, लेकिन यह सीट पहले ही दूसरे यात्री को दी जा चुकी थी। शाम 7 बजे विमान राजा भोज एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। भोपाल के सभी यात्री उतर गए, लेकिन साध्वी नहीं उतरी, ये विमान के अंदर ही धरने पर बैठ गई। स्पाइस जेट के स्टाफ ने भी उनसे नीचे आने का अनुरोध किया, लेकिन वे नहीं आईं। बाद में एयरपोर्ट डायरेक्टर अनिल विक्रम विमान के अंदर पहुंचे और सांसद से धरना समाप्त करने का अनुरोध किया। इस वीडियो के सामने आने के बाद संभव है एक बार फिर सांसद प्रज्ञा की मुसीबतें बढ़ जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।